जी अब तक का सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा है और भोजपुरी फिल्म जो मेरी अभी कुछ आने वाली हैं उनमें से नाम है उड़ान देन चीर हरन ये दोनों मेरी भोजपुरी फिल्में नेक्स्ट आप लोग देखने वाले हैं जिसमें दोनों ही फिल्में मेरी बहुत अलग है दोनों में किरदार जो है मैंने बहुत अलग अलग प्ले किया है एक मेरी फिल्म जो है उड़ान उसमें मैंने एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर प्ले किया है जो बहुत सीधी सादी है और हाँ लेकिन जैसे सिचुएशन उस हिसाब से वो ढल भी जाती है और आ, फिल्म की स्टोरी बहुत प्यारी है एक बहुत आ, नेचुरल आ, स्टोरी पे हमने बनाने की कोशिश किया है और आ, सभी आर्टिस्ट बहुत अच्छे रहे हैं मेरे जो उसमें को एक्टर थे गुंजन सिंह जो कि भोजपुरी बहुत सारे एल्बम वो गा चुके हैं वो एज़ ए सिंगर भी हैं और एज एन एक्टर भी उनका पहला ये फिल्म होगा डेब्यू फिल्म है तो उनके साथ स्क्रीन मैंने शेयर किया है तो हमारा बहुत अच्छा काम रहा है और दूसरी जो मेरी भोजपुरी फिल्म आने वाली वो है चीर हरन तो टाइटल भी बहुत प्यारा है आप लोग जान रही हैं और इसमें जो कैरेक्टर है वो मेरा बहुत अलग सा कैरेक्टर है बोल्ड कैरेक्टर है और पहली बार मैं हॉट अंदाज में आ रही हूँ इस फिल्म में चीर हरन में तो एक तरफ से तो वो बहुत क्यूट भी है और साथ ही साथ बहुत बोल्ड गर्ल है और जो है मैंने विराज भट्ट जी के साथ और काजल राघवानी जी के साथ स्क्रीन शेयर किया है और उसमें कई मेरे जैसे को स्टार्स हैं अनूप अरोड़ा जी और संजय पांडे जी जो कि भोजपुरी के महारथी माने जाते हैं और जिन्होंने अभी तक डेढ़ सौ से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं तो उनके साथ मैंने काम किया है और मैंने बंगाली फ़िल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है देन बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम किया है बॉलीवुड फिल्म जो मेरी आने वाली है उसका नाम है तेज़ रफ्तार यानी स्पीड यू नो स्पीड और इसमें जो मैंने रोल प्ले किया है वो है एक एथलीट का प्लेड द रोल ऑफ एन एथलीट जो कि बहुत इंकरेज करती है अपने जूनियर जो कि मेरे साथ स्क्रीन शेयर किया है सिद्धार्थ निगम जो कि अशोक सम्राट अशोक आपने देखा होगा चक्रवर्तीन अशोक सम्राट उसके एक्टर थे लीड एक्टर थे तो वो है इस फिल्म में साथ में मुकेश ऋषि जी हैं सतीश कौशिक जी हैं ऋषिता भट्ट हैं और समीर सोनी जी जो कि आपने देखा है बागबान परिचय वगैरह वगैरह आपने सीरियल्स और फिल्मों में देख चुके हैं तो उन इन सबके साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है मैंने किया है और मैंने जो रोल प्ले किया है वो एथलीट का है जो कि सिद्धार्थ निगम की कोच भी मान लीजिए एज अ दोस्त भी मान लीजिए तो ओवरऑल हमारे जो पूरा एथलेटिक्स कैरियर में कितना हम लोग के अप्स एंड डाउंस हैं उस सब पे बेस्ड ये फिल्म है और कैसे अगर हमारे अंदर कुछ बनने का जोश हो कुछ बनने का जज्बा हो तो इंसान ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से आए हैं लेकिन हम कहाँ तक जा सकते हैं ये ओवरऑल हमारा जो मैसेज है ये हमने दिखाने की कोशिश की है ओवरऑल मैंने हिंदी बंगाली फिल्म्स और जो है भोजपुरी देन मैंने सीरियल इंडस्ट्री में भी काम किया है सीरियल इंडस्ट्री में आप तो मुझे हमेशा देखते ही रहते हैं हर दिन देखते हैं चाहे वो खटमलेश सीरियल हो या यारों का टशन हो जिसमें कि मैंने बेला का कैरेक्टर प्ले किया था जो कि बहुत फ्लर्टी सी नर्स होती है अपने डॉक्टर के साथ फ्लर्ट करती रहती है सो so, उसमें आपने देखा है देन वीरवती के कैरेक्टर में आपने मुझे देखा है खटमलेश्क में उसमें भी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है बहुत सपोर्ट किया है और भी कई सीरियल्स जैसे हमने किए हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिलता रहता है तो मैं चाहूँगी कि आप लोग ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें और मैं ऐसे ही नाम करती रहूं और मैं भी हमेशा यही कोशिश करती हूं कि मैं अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स प्ले करूं और मैंने आज तक जितनी भी फिल्में जितने भी सीरियल्स किए हैं सब में अलग अलग कैरेक्टर प्ले किया है हाँ यहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल तो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली सक्सेस uh, दो दिन में नहीं आता है वो हमारे उसके पीछे हमें कई सालों तक मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर के हमें सक्सेस कुछ मिल मिलता है तो मैंने बचपन से ही इस इंडस्ट्री के लिए सोच लिया था कि हाँ मुझे इस इंडस्ट्री में ही जाना है तो जो मेरी शुरुआत थी जो मेरी मेहनत थी मैंने वो बचपन से ही शुरू कर कर दी थी वेदर थिएटर हो थिएटर मैंने कई सालों तक थिएटर किया अब मैं इलाहाबाद शहर से हूँ और मैं इलाहाबाद अलाहाबाद टू थाउजेंड सिक्सटीन रह चुकी हूँ तो मैंने वहीं से मैंने अपना सारा कुछ स्ट्रगल शुरू कर दिया था इस इंडस्ट्री के लिए तो मेहनत मैंने वहाँ पर पहले शुरुआत में की जिसका नतीजा मुझे यहाँ इस शहर में मुंबई जो कि ऐसा शहर है जो हर किसी को देता है अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तो आपको सब कुछ मिलता है तो जी शॉर्ट फिल्म में जो हमारा जो कैरेक्टर है मेरा कैरेक्टर एक ऐसी लड़की का है जो कि अपने जो साथी या फिर कह सकते हैं जो आ, जिसे वो प्यार करती है तो उसके साथ कैरेक्टर है मेरा तो एक ऐसी लड़की का है जो कि बहुत सीधी सादी भी है और अच्छी भी है सो so, बट यह है कि इंसान कैसे बर्बाद हो जाता है ये ड्रिंक्स वगैरह के चक्कर में तो उस वो लड़की जो है उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ से निकालने की कोशिश करती है लेकिन ये चीज़ इतना ख़राब है कि इंसान उस चीज़ से नहीं निकल पाता है तो कैसे लाइफ में क्या चीज़ प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर फाइनली हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ बंद होनी चाहिए क्योंकि ये जो है हेल्थ के लिए ख़राब है और एक इंसान अगर ख़राब हो रहा है तो उसके साथ उसका परिवार या उसके चाहने वाले उनको कितना तकलीफ़ होता है तो हमारा यही मैसेज है कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए भोजपुरी के नए अपडेट्स के लिए देखते रहें प्लानट भोजपुरी और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लानट भोजपुरी भोजपुरी